बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासीन जमान और आप देख रहे हैं यासीन जमान टीच यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप दोस्तों को एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपसे किसी भी आईडी का पासवर्ड भूल गया है और आप चाहते हैं कि वो मालूम करें, तो इस वीडियो में आप दोस्तों को सारे डिटेल के साथ ये सिखाऊँ कि आप अपने किसी भी आईडी का, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, उसका पासवर्ड मालूम करने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे ये फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन के पेज पर देखते हैं कि किसी भी जीमेल, चाहे जीमेल आईडी हो, चाहे फेसबुक हो या किसी और अकाउंट हो, और आपसे उसका पासवर्ड भूल गया है, तो इस वीडियो में आप दूसरों को उसका पासवर्ड मालूम करने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन के पेज पर और किसी भी आईडी का पासवर्ड मालूम करने का ट्रिक सीखते हैं। सो लेट्स गो टू द ऑन स्क्रीन एंड लर्न दिस मेथड दैट हाउ टू फाइंड पासवर्ड ऑफ एनी अकाउंट। तो जी नाज़रीन, किसी भी आईडी का पासवर्ड, जीमेल आईडी हो या फेसबुक आईडी हो, उसका पासवर्ड मालूम करने के लिए आपको जाना है सिंपली गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम आई थिंक हर किसी के पास मौजूद होगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद मैं आपको ये तरीका सिखाता हूँ। आपको आना है होम पे। ये जब ये आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आप इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएँगे, यह नीचे आएँगे और ये सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं पासवर्ड्स, जो भी पासवर्ड है और सब यह आ जाएगा। जो भी आईडीज है, अकाउंट है आपके फेसबुक को हो या चाहे किसी और ऐप के हो, गूगल के हो, वो सब यह आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो अकाउंट्स बनाए हैं, ये फेसबुक देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, बहुत से जो भी है वो यह सेव हो चुके हैं। तो ये गूगल क्रोम में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ सेव हो चुके हैं। मैं अब आपको ये तरीका सिखाता हूँ कि आप कैसे इसका, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और उसका पासवर्ड और अकाउंट दोनों जो वो दोनों आ जाएगा। ये मैं एक बार फिर टेस्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने फेसबुक पर क्लिक किया तो ये आ चुका है और ये उसका पासवर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं ये ट्रिक। आप जैसे कि मैंने ये काइनबेस का अकाउंट है मेरा, तो ये मेरा अकाउंट बेस का यूज़र नेम है और ये पीछे जो है, ये नीचे सॉरी, ये उसका पासवर्ड था। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर ये पासवर्ड आपको नहीं दिखाई देता और शो नहीं होता, तो आपको सिंपली आना है, आपको आना है, फिर आपने फिर इस पासवर्ड पे आना है और पासवर्ड पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह शो हो जाएगा कि आपके पासवर्ड जो है वो सेफ है कि नहीं। तो अब पासवर्ड शो होने का ट्रिक ये है कि आपने क्लिक करना है, व्यू एंड मैनेज सेव पासवर्ड पर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको अपने पासवर्ड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो मैंने पासवर्ड सेव की थी वो सब आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह उस पासवर्ड शो होता है या नहीं। तो मैं पेपाल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर दो अकाउंट्स बनाए हैं। अब मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि यह शो होता है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये अपना जो अकाउंट है गूगल का वो वेरीफाई करना है जिस पर आप लॉगिन हो। जब आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों आ चुका है मेरा यूज़र नेम, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पासवर्ड है वो शो हो चुका है। जी भी आप देख सकते हैं कि यू भी शो हो जाएगा। तो यही तरीका है, आप बिल्कुल सिंपली ये कर सकते हैं। तो यही सिंपल तरीक़ा है, आप इस पर अपने तमाम जो अकाउंट का पासवर्ड है आप देख सकते हैं। आपने सिंपली गूगल क्रोम में जाना है और रहा पे आप देख सकते हैं। आई होप कि आप दोस्तों को मेरे बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।